बढ़ते आगे, सरकारी जो राइस मिलर्स हैं, सरकारी नीतियों से परेशान होकर राइस मिलर्स ने तालाबंदी कर दी है। आपको बता दें, कई मिलों में तालाबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सरकारी धान खरीद ना करने का फैसला लिया है। परेशान राइस मिलर्स ने सरकारी धान कूटने से इनकार करते हुए हड़ताल करने का भी ऐलान कर दिया है। और साथ ही ये भी कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वो बंदी की कगार पर पहुंच चुकी मिलों में ताला डालकर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सरकारी नीतियों से परेशान राइस मिलर्स ने ये फैसला लिया है कि अगर इनकी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें, बची हुई मिलों में तालाबंदी करने की भी तैयारी शुरू कर दी है राइस मिलर्स ने। कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी बातें निकलकर सामने आई। यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकारी धान खरीद ना करने का फैसला लिया है। चावल हमारा 57 किलो ही निकलता है, 10 किलो हम लोग अपने पास से, सरकार हमसे जबरदस्ती वसूलने काम करती है। हम लोग इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि ये सरासर गलत है। इस विषय में हम लोग जो है अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया कि जाके इसमें जो है देखे जाके, अधिकारियों ने उसमें जो है टेस्टलिंग भी कराई, रिकवरी की रिपोर्ट भी इनके पास आ गई, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट अपने पास दबाए बैठे हैं। अभी उसमें कोई संशोधन, कोई प्रक्रिया नहीं की है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी अगर माने ना मानी गई तो हम लोग अपनी राइस मिल बंद करके चाबी जिलाधिकारियों को सौंप देंगे, अपने जिलाधिकारी